भगवान करे कि तू कभी भी BTS के कॉन्सर्ट में ना जा पाए। अबे तेरी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की? भगवान करे कि तेरी मैगी में कभी भी मसाला का पैकेट ना निकले। सो हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर से स्वागत है और आज मैं एक नए वीडियो के साथ। मेरा नाम है किरण, मैं रिएक्शन वीडियो बना रहा हूँ। पर गाइस, मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था मेरे कुछ पर्सनल रीजन की वजह से, इसलिए मैं शायद 2 हफ्ते के बाद वापस आया हूँ। और आज मैं जो वीडियो रिएक्ट करने वाला हूँ, उस पुबुदी का नया ब्लॉग आया है उसमें उनके बाल सफ़ेद हो गए हैं, पता नहीं कैसे। सो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं, रिएक्शन शुरू करते हैं। और अगर आप लोगों को मेरी रिएक्शन अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सबसे करना चैनल को। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। उनके बाल तो काले ही हैं। मुझे पता है कि ये बाल बहुत ही नकली दिख रहे हैं और मैं किसी को प्रैंक भी नहीं कर सकती। मैंने क्रिस को और मम्मी को प्रैंक करने की कोशिश करी लेकिन उनको पता चल गया कि मेरे बाल नकली हैं। ओ, ये नकली बाल है, विग है। गाइस, अभी हम मम्मी को प्रैंक करते हैं और वीडियो कॉल करते हैं। हम करते हैं। को खरीदने के लिए मैंने बहुत ही पैसे खर्च करे हैं। मेरी खून पसीने की कमाई इन फालतू चीजों में वेस्ट हो रही है। और ऑनेस्टली ये वाली विग मैंने खरीदी थी ग्रे चैलेंज के लिए, लेकिन मैं कन्वीनियंस स्टोर में गई थी और वहाँ पर ग्रे कलर का खाना बिल्कुल भी नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, इस विग को हम व्हाइट चैलेंज के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। और वैसे भी व्हाइट और ग्रे ऑलमोस्ट सेम ही कलर है गाइस, तो इतना तो चलता ही है। एनीवे गाइस, आज है संडे और अभी यहाँ की सुबह के लगभग 11 बज चुके हैं और जैसे कि आप वीडियो के टाइटल में देख सकते हैं, आज हम करने वाले हैं व्हाइट कन्वीनियंस स्टोर चैलेंज। सो आज की वीडियो में सबसे पहले हम जाएंगे डाउनटाउन में जवानों के अड्डे में कुछ व्हाइट कलर के कपड़े खरीदने के लिए, क्योंकि मेरे पास व्हाइट कलर के कपड़े बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले, हर कन्वीनियंस स्टोर की परंपरा ये है कि मैं स्टार्टिंग में हमेशा कुछ अजीब गरीब डीएम्स पढ़ती हूँ, तो आज भी हम उससे स्टार्ट करते हैं। ये बहुत मजेदार है। सबसे पहला डीएम है, अभी तक का सबसे हेटफुल डीएम, मतलब कि ऐसे चीजें कौन लिख सकता है, मतलब कोई पागल इंसान ही लिख सकता है। सो इस अंतर्यामी ने लिखा है, भगवान करे कि तू कभी भी BTS के कॉन्सर्ट में ना जा पाए। अबे तेरी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की? भगवान करे कि तेरी मैगी में कभी भी मसाला का पैकेट ना निकले। भगवान करे कि तुझे बिरयानी में सिर्फ इलायची और काली मिर्च मिले। कंट्रोल पूनम, कंट्रोल। एक लकड़ी ने लिखा है, hey, sexy lady, मैं भी तुम्हें ही रख रहा हूं। अबे चुप रहे। एक आंटी जी ने लिखा है, यू नीड मैन इन योर लाइफ। आंटी जी, दी ओनली मैन आई नीड इन माई लाइफ इज राम मैन। एक और आंटी जी ने लिखा है, इतनी पढ़ाई लिखाई कर ली लेकिन खाना बनाना नहीं आता। आंटी जी, मैंने फार्मेसी की यूनिवर्सिटी करी, वहाँ पे खाना बनाना नहीं सिखाते, वहाँ पे पढ़ाई करवाते हैं। Damn, it feels good to be a gangster. और आज का लास्ट ये, इस लकड़ी ने अर्ज करा है, मैं तुम्हारा हाथ थाम के तुम्हें हवाओं में उड़ाना चाहता हूँ। आप डोरेमोन हो क्या जो कि मुझे हवाओं में उड़ाओगे? गाइज, आज के लिए मेरी बेइज्जती बहुत हो गई और अभी मैं आपको कुछ सामान दिखाना चाहती हूँ जो कि मैंने ऑनलाइन से ऑर्डर करा है और वो मेरे घर पर आ चुका है। ये रही स्वेटर। सो ये वाली स्वेटर है 60 रुपए की और इसकी क्वालिटी भी ना बहुत ही अच्छी, काफी गर्म है। इसके अंदर है दिस इज द जींस और यहाँ पर रबड़ लगा हुआ है। और ये रहा लास्ट आइटम, इसके अंदर है कुछ बूट्स। सो ये वाले हैं जोंगकुक स्टाइल बूट्स। सो अभी हम ये वाले कपड़े पहनते हैं और डाउनटाउन चलते हैं। सो गाइज, ये रही मेरी नई वाली जींस, ये कार्डिगन। Whoa, looks so fashionable. Leather jacket. Ta-da! Mask. Boots. So guys, अभी मेरी फैशन कंप्लीट हो चुकी है और ये रहा मेरा बैग। ये इस तरह का कुछ शायद जंगकुक ने पहना था बहुत समय पहले या फिर कुछ दिन पहले। मम्मू, मैं जा रही हूं। शायद अबे तू जा रहे हैं यहां से? गाइज, अभी मैं बाहर आ चुकी हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज का मौसम मस्त वाला मौसम नहीं है, काफ़ी बादल छा रखे हैं और मुझे लगता है कि बरसात आने वाली है। और मेरे पास गैस के लिए छतरी भी नहीं है। यहाँ पे कचरे के सामने मुझे एक छतरी मिल गई लेकिन मुझे लगता है कि ये ख़राब हुई भी है। वहाँ पर रही एक बिल्ली और एक कबूतर। बिल्ली कबूतर को नहीं खाना है। सफ़ेद कलर की गाड़ी, सफ़ेद कलर की गाड़ी और इसके अंदर है एक सफ़ेद कलर की बिल्ली।
हेलो बिल्ली जी, क्यों छो सब मजा मा? एक और बिल्ली, अन्यांग। ये रही मेट्रो स्टेशन। गाइस, हमारी आज की सबसे पहली कपल। इस लौंडे के पास दो दो छतरियां और मेरे पास एक भी नहीं है। ये रही हमारी आज की ये रही तीसरी जोड़ी और इनके पास है पीले वाली छतरी। ओए हो, इतना प्यार। ये सारे लौंडों ने अपनी लौंडी को ऐसे क्यों पकड़ रखा है जैसे कि भाग ना जाए। वाओ, मोटरसाइकिल। सो गाइस, इस दुकान में मुझे सफेद कलर के बहुत सारे कपड़े दिख रहे हैं, तो अभी अंदर जाके चेकआउट करते हैं। ने इतने सारे सफेद कलर के कपड़े ले लिए हैं और अभी हम यहाँ पर अंदर जाके इनको ट्राई करते हैं। वो जो भी पहनते हैं बहुत खूबसूरत लगती है। बहुत ही अच्छी, लेकिन सिर्फ एक प्रॉब्लम है, ये बहुत ही छोटे, मेरा पूरा पेट दिख रहा है। मम्मी ने ये वाली पहनते हुए देख लिया तो बहुत मार पड़ेगी। सो गाइस, यहाँ पे जो सारे कपड़े ना वो कुछ खास कर नहीं है, और मैं सोच रही हूँ कि H&M जाऊँ वहाँ पे चेक करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे इन कपड़ों से ज्यादा अच्छे कपड़े मिलते हैं और जो उनकी क्वालिटी भी होती है ना वो भी इनसे अच्छी होती है। तो अभी हम H&M चलते हैं, वहाँ पे चेकआउट करते हैं। लेट्स गो। ये वाला कितना क्यूट है। आई नो कि ये व्हाइट कलर में नहीं है, लेकिन मुझे इसको ट्राई करना है। ये रही एक वाइट शर्ट कुर्ते टाइप में। ये सफ़ेद कलर की ब्रा, गैस करिए कितने की है, इतनी महंगी। चलो इसको भी ट्राई करते हैं। यहाँ पर रही वाइट कलर की जीन्स, तो हम ये वाली भी लेते हैं। यहाँ पर रहा फिटिंग रूम। This is how it looks like. ये बहुत ही cute लग रहा है, मुझे इसको खरीदना। थोड़ा expensive है, लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी चलता है। और यहाँ पे ग्रीन कलर के और पर्पल कलर के कपड़े बहुत सारे हैं। पर्पल कलर की ड्रेस, पर्पल पैंट्स, पर्पल कलर की बनियान। गाइस, आज H&M में बिल्कुल भी अच्छे कपड़े नहीं है, तो मैं सिर्फ ये वाली और ये व्हाइट स्वेटर खरीदने वाली हूँ। तो अभी हम इनको पे करने जाते हैं। गाइस, शॉपिंग इज डन। गाइस, हमने शॉपिंग भी कर ली और मेरे पास व्हाइट कलर की नेल पॉलिश और रेडी है घर पर, तो अभी हमें यहाँ पे कुछ काम नहीं है, तो जल्दी से हम घर पर चलते हैं। The next day. Wow. ये रही व्हाइट शर्ट और ये रही व्हाइट पैंट जो कि मेरे पास पहले से थी, और ये है ज़ारा की पैंट। व्हाइट नेल पॉलिश। मैं मेरी नेल पॉलिश सुखा रही हूँ, मम्मी वहाँ के पीछे बहुत ही बोर हो रहा है। और अभी गाइस हम ये नकली वाले बाल लगाते हैं। वाओ। सो गाइस, ये रही फाइनल लुक, बहुत ही नकली दिख रहा है, और क्रिस ने बोला कि प्लीज इन बालों को फेंक के बाहर मत जाना। नकली ये नहीं, ये असली ही लग रहे हैं। ये शायद प्लास्टिक के है पर बहुत ही अच्छे है। बेइज्जती हो जाएगी, लेकिन मैंने इतने पैसे खर्च करे तो पैसा वसूल तो करना पड़ेगा ना, और वैसे भी हर दिन मेरी बेइज्जती होती रहती है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। आज के चैलेंज के लिए हम ये व्हाइट वाला जैकेट पहनते हैं। आज तो मैं पूरी की पूरी जोकर लग रही हूँ। नहीं, कोरियन लोग मुझे देख के पागल समझेंगे। हे भगवान, मेरी रक्षा करना। लेट्स गो। मुझे ऐसा लग रहा है कि सब लोग सोचेंगे कि मैं पागल खाने से भागी हुई कोई पेशेंट हूँ। बाय द वे गाइस, मैंने सफेद कलर के जूते भी पहन लिए हैं, और मैंने टैक्सी बुलाई है कन्वीनियंस स्टोर जाने के लिए, तो अभी हम वापस। ये बाल असली ही लग रहे हैं। यहाँ से आ, और ये रहा कन्वीनियंस स्टोर, नाइस टू सी यू। सो अभी हम अंदर चलते हैं। ये रही छाबड़ी। मुझे अंदर घुसते ही ये च्यूइंग गम मिल गई BTS की। जय होप, शुगा एंड जिमिन, बाकी के मेंबर यहाँ पर नहीं है सैडली। मेरा बाया से जिमिन, और ये पैकेजिंग पर्पल, और क्योंकि यहाँ पे व्हाइट कलर है तो आज हम व्हाइट चैलेंज कर रहे हैं, तो ये वाला खरीदते हैं। सॉरी जिमिन, तुझे लगी तो नहीं ना। सो गाइस, यहाँ पर रहे कुछ स्नैक्स, और व्हाइट में से हैं ये वाले क्रैकर्स, तो हम ये वाले खरीदते हैं। व्हाइट कलर के पेपर हो तो ये वाले खरीदते हैं। यहाँ पर मेरे पीछे रहे कुछ पोटैटो चिप्स, और यहाँ पर व्हाइट पैकेज में है ये वाला, तो हम ये वाला खरीदते हैं। यहाँ पर रहे कप नूडल्स, कितने सारे कप नूडल्स हैं।
इन नूडल्स की पैकेजिंग है वाइट और ये हैं पतले वाले खुक्सू नूडल्स, तो हम ये वाले लेते हैं। खुक्सू मार्शमेलो गो इन माय छाबड़ी। भाई साहब कौन सी ड्रिंक खरीद रहे हो? हम लेते हैं ये वाइट वाली ड्रिंक्स। यहाँ पर बच्चों के कुछ खिलौने हैं, कुछ कैंडीज है, और मुझे ये वाला पैकेजिंग मिला है। पता नहीं ये क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है बबल, लेकिन ये खाने का है या खेलने का है? आई डोंट नो, सो लेट्स बाय इट। कुछ फ्रेश वाला दही, तो हम ये दही खरीदते हैं। यहाँ पर रही ये क्यूट वाली वाइट कलर की चॉकलेट। गाइज अभी हमने ऑलमोस्ट सारा खाना खरीद लिया एक्सेप्ट फॉर आइसक्रीम, तो अभी हम इस फ्रिज से आइसक्रीम खरीदते हैं। तो अभी हम इसको पे करते हैं। अन्याय पंक्चु हना चीज़ है। आ होक्षी इगो इगो मोंगनुं गोया? ने मोंगनुं गोया। आ ओत्तोके मोगोया देयो? कामसामिदा। आज का मौसम इतना अच्छा है कि सारे लोग बाहर बैठ के खाना खा रहे हैं, बातें चीतें कर रहे हैं। आई होप कि मुझे भी एक बेंच मिल जाए। गाइस मैंने बेंच तो ढूंढ लिया, लेकिन मुझे बहुत शर्म आ रही क्योंकि मेरे साइड में लौंडे बैठे हैं और उस साइड में भी लौंडे बैठे हैं। चलो कोई बात नहीं, बात बिल्कुल अच्छी लग रही है। तो सबसे पहले हम ये आइसक्रीम खाते हैं क्योंकि मुझे डर है कि ये फिंगर ना जाए। वो सो इस आइसक्रीम के अंदर है क्रीम एंड चोको कुकी। फाइनली साइड वाले लौंडे जा रहे हैं। लास्ट बाइट। कभी हम ये नूडल्स ट्राई करते हैं, इनके अंदर मुझे गर्म पानी डालना पड़ेगा, तो अभी हम वापस वो रहा कन्वीनियंस स्टोर, वहाँ पर जाते हैं गर्म पानी डालने के लिए। लेट मी जस्ट ओपन इट। पूनम इसको गिराना नहीं है। चॉपस्टिक डोले शोले। सो गाइज ये रहे मेरे नूडल्स और इनके अंदर हैं अलग अलग वेजिटेबल्स। वाह गाइज ये वाले नूडल्स बहुत ही यम्मी है, थोड़े से स्पाइसी है लेकिन मुझे बहुत मुझे भी चाहिए। बिना नूडल्स के कन्वीनियंस स्टोर चैलेंज अधूरा होता है, तो इसलिए मैं हमेशा नूडल्स ही खरीदती हूँ। गाइज मैंने आधा नूडल्स का पानी यहाँ पे गिरा दिया है और इस पैंट के ऊपर भी सारा गिर चुका है। ये तो होना ही था, मेरे साथ नहीं होगा तो किसके साथ होगा? At this point, I'm not even surprised. आधे नूडल्स हमने गिरा दिए और आधे नूडल्स खा लिए हैं और अभी हम ये वाली ड्रिंक ट्राई करते हैं। शिक शिक शिक। डोले शोले। तो ये वाली है एक प्रोटीन ड्रिंक चॉकलेट फ्लेवर। Cheers. मजा आ गया। गाइज ये रहा हमारा नेक्स्ट आइटम जो कि है किम्पाप और इसके अंदर है ट्यूना एंड कैरेट्स। बाय द वे आप पीछे का नज़ारा तो देखिए कितना मस्त मस्त वाला नज़ारा है। तदान। सो ये ब्लैक है सीवीड, इसके अंदर है राइस कैरेट रेडिश और ट्यूना। लेट्स ट्राई इट। बहुत ही यम्मी है। इसको मैं बाद में ख़त्म करती हूँ और अभी हम जो बाकी का सामान है ना वो खाते हैं। ये वाली चॉकलेट ट्राई करते हैं। ये रही चॉकलेट टाइप। सो जो मैंने खाई है वो है एक चॉकलेट और इसका टेस्ट है चॉकलेट जैसा। अभी हम ये क्रैकर ट्राई करते हैं। ओह मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं खाना से ज़्यादा मेरे बाल खा रही हूँ। अभी हम ये सॉसेज ट्राई करते हैं। सो ये है एक मुर्गे का सॉसेज जो इसका टेस्ट है मुर्गे जैसा। यार मुझे फूड ब्लॉगर होना चाहिए। ये रहा लास्ट बाइट। मार्शमेलो टाइम। क्योंकि मेरे हाथ साफ नहीं है तो मैं चॉपस्टिक इस्तेमाल करने वाली हूँ। और ये रहा हमारा पैर। मुझे मार्शमेलो बहुत पसंद है। मार्शमेलो से मेरा बहुत ही पुराना रिश्ता है क्योंकि जब भी मैं मार्शमेलो खाती हूँ तो मुझे मेरी बचपन की याद आ जाती है। बचपन में मम्मी पापा मार्शमेलो बहुत ही खरीदते थे। सो गाइस अभी हमारे पास ये तीन चीज़ें बची है। ये रही चॉकलेट योगर्ट और चिप्स। लेकिन क्योंकि मैंने मेरे कपड़े ख़राब कर दिए तो मुझे वापस घर पर जाना है, कपड़े चेंज करने हैं, उसके बाद में जॉब पर जाना है, तो मैं काफ़ी लेट होने वाली हूँ। तो उसकी वजह से मैं इन चीज़ों को नहीं खाने वाली एंड आई एम डायरेक्टली गोना ईट दिस वन एंड दिस वन। ये है एक खाने की चीज़ और जो काउंटर पर लौंडा है ना उसने बोला कि उसको ऐसे खानी चाहिए डायरेक्टली मुंह में डाल दो, तो अभी हम इसको ट्राई करते हैं। यार ये मेरे से खुलने क्यों नहीं है? ओह आई डिड इट गाइस, सो आई विल शो यू हाउ इट लुक्स लाइक। सो इसके अंदर है ये वाइट वाला पाउडर। ये क्या है? ये तो बहुत ही खट्टा है। सो जब भी ये पाउडर आपके मुंह में फिंगर जाता है ना तो ये च्यूइंग गम बन जाती है। सो क्योंकि अभी हमने इतना सारा खाना खा लिया है तो हमें च्यूइंग गम की ज़रूरत है। आई वंडर कि जिमिन की च्यूइंग गम कैसी टेस्ट करती होगी। सो जो कोरियन च्यूइंग गम होती है ना वो दवाई की तरह दिखती है। सो लेट मी शो यू। सो ये दिखती है टेबलेट की तरह और यहाँ पर है पर्पल कलर की च्यूइंग गम। तो अभी हम इसमें से एक खाते हैं। सो
सो इसका टेस्ट है मिंट फ्लेवर, सो काफ़ी रिफ्रेशिंग है। अब पूरे पैक। सो गाइस मैंने ऑलमोस्ट सारा खाना खा लिया और ये जो बाकी का सामान है ना मैं घर पर जाके खाऊंगी। और अभी हम यहाँ की साफ सफाई करते हैं। लेट्स गो। ये रहा कचरे का डब्बा। यहाँ पे अंकल जी चिड़िया को खाना खिला रहे हैं। सो स्वीट। आज मुझे एक भी मोटरसाइकिल नहीं दिखी ना, तो उसकी वजह से जो मेरी पैंट है ना वो ख़राब हो गई। अभी मैं टैक्सी बुलाती हूँ, वापस घर पर जाती हूँ और ये जो मेरे वस्त्र शस्त्र है ना इनको चेंज करती हूँ। ये रही टैक्सी। यहाँ से यार ऐसा खाना कौन खाता है। सो गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको आज का भी ये बहुत ही अजीब और बहुत ही गरीब वीडियो पसंद आया होगा। मुझे नहीं लगता कि आज का चैलेंज सक्सेसफुल था, लेकिन फिर भी मैंने मेरी पूरी कोशिश करी। एनीवे गाइस आई होप कि आपको आज के मेरे स्ट्रगल मजेदार लगे होंगे और मैं आपको जल्दी से मिलूंगी मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय द वे ये मेरे बाल बार बार मेरी आंखों में जा रहे हैं। सो मैं आपको जल्दी से मिलूंगी मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए। वाओ बहुत ही मजेदार ब्लॉग था और इसीलिए उनके बाल सफेद इंस्टाग्राम के स्टोरी पे थे, उसने वीक लगाए थे। सो मुझे ब्लॉग बहुत अच्छा लगा, उनके हर ब्लॉग बहुत ही मुझे अच्छे लगते हैं। प्लीज़ आप लोग कमेंट करना कैसे लगा, और अगर आप लोगों को रिएक्शन अच्छा करा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। और नेक्स्ट कौन से वीडियो में रिएक्शन करो वो भी आप लोग प्लीज़ बोल देना। और चलिए वीडियो को यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।